क्या हुआ क्या भैया? अंदर बच्चों बच्चों में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। हाँ, अंदर आस्थाने शरीफ में। तो बाहर आकर के जो दूसरे बच्चे का जो वालिद थे तो उन्होंने आकर के बात करी नहीं, डायरेक्टली हाथ छोड़ने लग गए बच्चे के ऊपर। जो लड़का ताहा चिश्ती है उसके ऊपर, उसके भी सर पे चोट आई है, और आकर के डायरेक्ट धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया आँख के ऊपर। और अंदर जब उसके फादर छुड़वाने लगे, जिनके लगी है पसली पे भी टाके आए, उनका नाम है शकील अहमद चिश्ती, उनके पे भी लगा है वार। और ऊपर से जितने भी जने थे इनके साथ में, इनका नाम है रुस्तम गनी सलीम, और जो कितने कितने लोग हैं उनके घर के बच्चे, उन्होंने धारदार हथियार से वहाँ पे गद्दी पे आकर के हमला कर दिया दरगाह के अंदर। फिर वहाँ पे लोगों ने छुड़वा दिया। फिर उसके बाद फिर घर में आकर के इन्होंने हमला कर दिया। फिर उसके ऊपर चाचा के एक हाथ छुड़वाने में उसके हाथ, मेरे चाचा के भी हाथ पे लग गई है। मेन वजह क्या रही है झगड़े की? मेन वजह यही रही है कि अंदर इनमें कहासुनी हो गई थी कि बच्चों का बीच का मैटर था, और बच्चों के बीच के मैटर को सुलझाने के बजाय और लड़ने लग गए। दोनों बच्चे कौन थे? और एक तो बच्चा था ताहा जो चौक में रहता है, और एक बच्चा उनका क्या नाम है उसका, मारूफ करके नाम है उसका, तो वो था। एक कोई नजराने को लेकर लड़ाई? नहीं, नजराने को लेकर के नहीं, सिर्फ नॉर्मली भीड़ में टल्ला वगैरह लग ही जाता है, ठीक है? तो टल्ला लग गया होगा, उसने बोला भाई सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा खिसकना, तो उसने बोला चला बाहर देखता हूँ तेरे को मैं। आस्थाने शरीफ से स्टार्ट हुई, वो बाहर आकर के खत्म हुई है दरगाह के अंदर ही। बंदर नॉर्मल गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो आकर के पीछे से हमला कर दिया उन्होंने बच्चे के ऊपर। घर के हमारे 3 से 4 जने घायल हुए हैं। कितने लोग थे वो? कम से कम 6 से 7 जने थे। हथियार थे उनके पास में एक के पास था उस्तारा, एक के पास थी कैची, है ना, और एक के पास था एंकलेट, बहुत सारी चीज़ें। कौन-कौन हुआ, नाम बता दें? जो मेरे घर से घायल हुए हैं उनका नाम है ताहा, शकील अहमद और अजीज़ अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजमेर की। ठीक, आपका नाम? दरगाह क्षेत्र। मेरा नाम मारूफ है। ठीक, विवाद हुआ कहाँ पे हुआ ये? मेरा नाम सैयद आले मोहम्मद चिश्ती है। मैं कमरुल इस्लाम का और गनी भाई का बड़ा भाई हूँ। इनका बच्चों का कोई विवाद हुआ होगा, मेरी पूरी जानकारी में नहीं है उस वक्त, मगर जहाँ विवाद हुआ था, विवाद होने के बाद सुलझाने की कोशिश करी गई, मगर दूसरी पक्ष की तरफ से हमला बोल दिया गया। दूसरी तरफ से पक्ष से हमले के अंदर मेरे 2 भाई, रुस्तम भाई जिनका नाम कमरुल इस्लाम है, वो घायल हुए हैं, सर पे लगी है, सीने के ऊपर लगी है उनके। गनी भाई हैं, उनके लगी है हथियारों के साथ, इन्होंने लैस होकर इन्होंने हमला करा चौक के अंदर। ये छोटे चौक की घटना है। ये इन लोगों ने मिलकर हमला करा, जितने भी 5-7 बच्चे थे, जितने भी 5-7-8 बच्चे थे इनके घर के, सब एक साथ आके इन्होंने हमला करा। आस्थाने में नजराना है, मेहमान पैसे, कोई पैसे नजराने की पैसे की कोई बात नहीं है। इनके आपस में कोई धक्का मुक्की हुई होगी, आपस के अंदर कोई विवाद हुआ होगा बच्चों का, तो बच्चों का विवाद बढ़ते बढ़ते बाहर आ गया और सारे बच्चे मिलके इन्होंने एक साथ हमला कर दिया। हमें तो मैं जो बचाने की कोशिश करी, मैंने भी बचाने की कोशिश करी, उधर से उनके भाई अजीज़ भाई ने भी बचाने की कोशिश करी, मगर दोनों तरफ से नहीं माने, तो फिर दोनों का विवाद हो गया, ज़्यादा हो गया। दोनों पक्ष में घायल हैं? हाँ साहब, ये दोनों पक्ष में घायल हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भाई के आँख के ऊपर लगी है और सीने के ऊपर वो लगे हैं उनके। दूसरे पक्ष का आरोप है कि आपके परिवार ने हथियारों से लैस होकर उन पर हमला किया। देखो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्षी तरफ से दोनों इस्तेमाल होते हैं, जो भी होते हैं वो जो पुलिस तफ्तीश करेगी वो बेहतर करेगी। मेरा नाम सैयद आले मोहम्मद चिश्ती है। इंशाअल्लाह।